कदीम मस्जिद है मीर महमूद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की, जो बनाए थे उनके हयात में ये मस्जिद है। देखिए जो ये MM पहाड़ी से मुकर्रर है, ये है देखिए मस्जिद की है। इसके चिड़िया देखिए आप कैसे बनाए थे। ये आप बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, गुम्बद दो मीनार की, इधर दो मीनार की बना के, पहले आने से पहले एक कमान थी, उसके बाद ये दूसरी बाहरी रहाते में सीधे हाथ पे मस्जिद है, उसके बाद दूसरी दरवाज़ा शुरू हो रहा दरगाह का। ये पहले मस्जिद में अंदर जाएंगे अपन। ये देखिए मस्जिद की तामीर कैसे गुंडों पहाड़ों पे बनाए थे। और क्या नक्शी का काम है देखिए मस्जिद के ऊपर डिजाइन। नमाज पढ़ते हुए ये मस्जिद है, यहाँ पे छोटा सा मिंबर बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरा बैठो साइड में खाने है, इसमें भी अंदर काम करा हुआ है। यहाँ से ठहरे तो दरगाह, यहाँ से पलटे तो सीधा दरगाह दिखती सामने। कैसा नज़ारा है, जो तालाब बनाए थे ये नज़ारा, ये रो पूरा हाल। अब अंदर जाएंगे हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट। ये दरवाजे के अंदर दूसरी कमान में अंदर आते हुए सामने तीसरी कमान है, लेफ्ट साइड पे हाउस है, सामने दो गुम्बदा बने हुए हैं। अब अंदर जाएंगे हम यहाँ से, तो पूरा नक्शी का काम करा हुआ मेन दरवाजे पे, देख सकते हैं। इधर आओ मेरे भाई, इधर देखिए। अंदर आने के बाद ये लेफ्ट साइड पे हाउस है हजरत के पास, जहाँ से वजू करा जाता है पानी से, यही पानी है वो। यहाँ से करके दरगाह के अंदर जाएंगे अब इस वक्त। यहाँ ये अंदर आते हुए दूसरा दरवाज़ा है छोटा, जो अंदर सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हुए दरगाह के पास। ये सामने मज़ार है हजरत की, ये अंदर ये गुम्मत है जो उनके ज़माने में बनाई गई थी, और तस्वीर इनसे यहाँ के जो भी मुतवली है उनसे बात की जाएगी। सेकेंड टाइम फिर ना स्टार्ट बोला।
अस्सलामु अलैकुम खुतुबुल अख्ताब हज़रत सैयद शाह इमादुद्दीन महमूद मोहम्मद हुसैनी अल रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ मीर महमूद औलिया, इनका नाम है, ये हज़रत का नाम है जो मीर महमूद औलिया की पहाड़ी है, एमएम पहाड़ी किशनबाग और 9 नंबर के आगे। ये बहुत पुरानी दरगाह है, आज से कुछ बरस 450-450 साल पुरानी दरगाह है ये। अब ये मज़ार देखिए, अब ये हज़रत की बारगाह देखिए, अब अंदर जाना है बारगाह के अंदर, उनके मज़ार शरीफ को देखेंगे अंदर जाके, कैसी बनवट है वहाँ पे, और पूरा पत्थर पे बना हुआ है मार्बल पे, और 400-450 साल आप। ये हज़रत की मज़ार है देखिए, जो अभी बोला था मैं, अंदर आ गए हैं। ये खाली ऊपर मज़ार है, अंदर उनके असल मकाम में जगह है। ये पूरा हाथे में है, सराउंडिंग में देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ पे नक्श का काम करा हुआ है। कई एकड़ पे थे ये मुकाम बना हुआ, जिसमें तालाब भी आता है। पूरे आयतों के साथ, नामों के साथ लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसमें खासियत ये हज़रत में, चार तरफ से चार रस्ते इसके मेहराब है, जो उसको डोर लगे हुए इधर से, एक साइड में इधर का हिस्सा दिखता है, एक साइड में इधर का, जो आपको पूरा नज़र आ जाएगा। देख सकते हैं हज़रत के सराहना है, सराहने से निकलता हुआ रास्ता डोर, जो पैंटी गने हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता है। हाँ, सराहने के बाद भी पीछे भी डोर है, वहाँ से भी जा सकते हैं लोग को ज़ियारत करने के वास्ते, लेडीज़ के लिए सहूलत दी गई है। दो तरफ से बनाने का इंतजाम, ज़ियारत करने के नहीं है। ये पैंटी गन ठहरे हुए हैं इस वक्त, यहाँ से तीन तरफ से जलाने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, ये चहले काफ है, ये चहले काफ का पानी डेली सुबह हम लोग देते हैं, जिसकी तरफ से जो है तो बहुत से बीमारी में शिफा होती है लोगों को ये पानी पीने से। ये हमारे हजरत के सिलसिले में एक है, जो तराशे सो है, पूरी पत्थर पे है ये चहले काफ। आप ये जो है सो हजरत की कश्ती है, जो आपके पीरों मुर्शिद की तरफ से मिली थी, ये कश्ती है, ये पूरी लकड़ी में है, ये और ये हजरत, ये आशा मुबारक, ये हजरत का आशा है, ये आशा मुबारक है। और यहाँ पर जो है, ये जो है सो अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का खत्म मुबारक है जो सिर्फ 12 फात की 12 को खोलते हैं, 12 रबी अव्वल की 12 तारीख के दिन ये सुबह से लेके शाम की मगरिब तक खुला रहता है। आप लोग आके खदमत भी कर सकते हैं। ये अम्मा जान हजरत के जौजा है जो इस दरगाह मीर महमूद औलिया उनके जौजा है। ये अम्मा जान की मजार है। यहाँ पर भी अंदर पूरा काश्तकारी का काम हुआ है। और ये हजरत के फर्जन हैं हजरत सैयद शाह शमशुद्दीन मोहम्मद महमूद हुसैनी, जो आपके फर्जन हैं। ये यहाँ पर भी देखिए आप पूरी काश्तकारी का बेहतर काम हुआ है। ये हजरत के पोतरे हैं सैयद शाह रफीउद्दीन महमूद मोहम्मद हुसैनी सज्जादा नशीन, ये भी थे। और ये सैयद शाह अली रजा हुसैनी हैं। और ये जो है तो सज्जादा नशीन आदम शरीफ की मजार है। सैयद अलीमुद्दीन हुसैनी हैं जो हजरत के फर्जन उनके फर्जन हैं। ये शमशुद्दीन हुसैनी के जो है तो फर्जन है ये। और ये बाजो तखी बेगम हैं और उनके बाजो हजरत सैयद अजीमुद्दीन हुसैनी हैं, वो भी जो है तो शमशुद्दीन हुसैनी के फर्जन हैं। और आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर अंदर सैयद हजरत शाह अहमदुल्ला हुसैनी की मजार शरीफ है। ये देखिए आप सैयद अहमदुल्ला हुसैनी की है ये। और ये हजरत सैयद शाह मुनव्वर अली हुसैनी की मजार है ये। साहब
और ये हमारे मुतवलिया दरगाह मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हैं। इनका नाम यूसुफ बेगम साहिबा है और ये 7 पीढ़ियों में से आखिरी पीढ़ी थी। ये 7 दादाओं में से जिस लास्ट दादा को औलाद की जो लास्ट पीढ़ी थे। और ये समा खाना है हजरत का। यहाँ पर जो है सो उर्स में हर साल उर्स में जो है सो कव्वाली होती है यहाँ पर, और जो है सो यहाँ पर आयत करीमा का दस्तखान होता है हर पहली जुमेरात को। आइए आप देखिए। और ये जो है सो आशिर खाना है, ये यहाँ पर जो है सो अलम बैठते हैं और दरगाह शरीफ में फिरते अलम, और दरगाह शरीफ में ठंडे भी अलम यहीं पर हो जाते हैं, कहीं बाहर नहीं लिख जाते हैं। उसी के पंखे दरगाह के पंखे सब यहीं है हजरत के। पूरा आशुर खाने का कुरान 400-450 साल आशुर खाना। देखिए आप, हर दीवार पे पूरी अरबी आयात भी लिखी हुई है। देख सकते हैं ये देखिए भाई बाब, आइए तालाब के पास भी। हजरत के हाथे में तालाब आता है। एक टाइम था जब हजरत की हयात में जो है सो इसके अंदर पत्थर के कैंडल्स बनाए हुए थे। अब जो पानी और ये पत्ता आने की तरफ से क्या है, वो कैंडल्स छुप गए हैं। वो पत्थर के कैंडल्स बनाकर उसको जो है सो उसको आग लगाया गया था। वो हजरत के दौर की बात है। ये वही तालाब है जो तालाब को हम मीर महमूद औलिया के तालाब से मानते हैं। देखिए आप इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ से पूरा कैसा दिखता है। और ये सामने आप देख रहे हैं एक कमान की मस्जिद, और ये मस्जिद जो है सो औरंगज़ेब ने तामीर कराई सो है। इसे एक कमान की मस्जिद कहते हैं, एक खाना मस्जिद।
ज़्यादा नशीन डॉक्टर महमूद शरीफ है और ये जो है सो पूरा अंडरमेंट यहाँ का सब हम लोग ही करते हैं। जितना भी खर्चा आता है, जितना भी खर्चा है सब है वो हम लोग ही करते हैं। हमारे वाली साहब मोहम्मद इम्तियाज़ अली और मेरे वालदा और मेरे भाई लोग, हम लोग पूरे जो साफ़ सफाई जो भी है यहाँ पर खिदमत पूरा हम लोग ही करते हैं यहाँ पर।